हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश का लेसन प्लान जो कि क्लास सेवेंथ के लिए है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा, रीड करूँगा यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता, हो सकता है कि पीडीएफ में थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखने में कभी कभी कहीं कहीं दिक्कत हो, तो वो मैं आराम से एक एक चीज़ में पढ़ूँगा, उसको आप सुनिएगा, उससे आप आराम से सारी चीज़ें लिख पाएंगे। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम रहेगा पीडीएफ का, सेंटेंस लेसन प्लान। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको लाभ मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पर ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का आपका और किसी भी क्लास का, अगर आप लोगों को पाठ्य योजना चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का आपका जो जीके की क्लास है वो डेली बेसिस पे चल रही है, तो उसको भी देखने के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को ट्रिक के तरीके से और कम्प्लीट जीके मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का एक एक टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसन प्लान जब लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान नंबरिंग करनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा गया लेसन प्लान नंबर 5। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ पीपल टीचर्स, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कॉलेज, यानी कि यहाँ पे वो कॉलेज का नाम लिखा जाएगा जिस कॉलेज में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए ये लेसन प्लान। ठीक है, आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं लिखना होता, जिस कॉलेज में आप पढ़ाने जाएंगे उस कॉलेज का या स्कूल का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें डेट लिखने के लिए इस तरीके से कॉलम बनाया जाता है, डेट, क्लास, क्लास सेवेंथ है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, फिर पीरियड यहाँ पे देख लीजिए है चौथा, और टाइम है यहाँ पे 35 मिनट का। ठीक है, इसके बाद आपको टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक में यहाँ पे देखिए लिखा गया हमारा आज का टॉपिक, मैं पहले बता चुका हूँ, सेंटेंस है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आराम से आप पढ़ा सकते हैं इसको क्लास में। नेक्स्ट हेडिंग आता है जनरल एम्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य क्या है आपका ये सब्जेक्ट, जैसे आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश तो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने का आपका यहाँ पे एम क्या है, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद, इसके बारे में जनरल एम्स में 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ मैं पढ़ देता हूँ, आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो सुन के आप कंप्लीट दूर कर लीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से लेसन प्लान पहुँचाने का यही रहता है कि आपको अगर किसी टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको कंप्लीट रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर सारे लेसन प्लान मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड एंड सेंटेंस करेक्टली। सेकेंड में यहाँ पे पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप यहाँ पे मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश। फिफ्थ पॉइंट है टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। और सिक्स्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द आर्ट एंड लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल एम्स के पूरे 5-6 पॉइंट हैं, यहाँ पे देख लीजिए टोटल 6 पॉइंट है। इसके बाद आता है आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य आपका क्या है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना होता है आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस है, तो बच्चे सेंटेंस चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या सीखने वाले हैं, ये आपका एम जो कहलाता है वो कहलाता है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। इसमें देखिए लिखा गया है पहला पॉइंट, दे कैन डेवलप देयर राइटिंग स्किल। दूसरा पॉइंट है पीपल विल बी एबल टू फॉर्म देयर ओन सेंटेंसेस। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज राइट वोकैबुलरी। और फोर्थ पॉइंट है आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन अ सेंटेंस। ठीक, ये हो गया आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे उसके आगे देखिए पेज पे क्या लिखना होता है, अगली हेडिंग क्या है। यहाँ पे अगली हेडिंग है टीचिंग एड्स, इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें आप जो जो जिन जिन मटेरियल्स का आप यूज करेंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए लिखा गया मॉडल्स, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैकबोर्ड, ETC, ये सारी चीज़ें होगी आपके टीचिंग स्किल में। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए लिखा गया है स्टूडेंट्स मस्ट हैव जनरल फैमिली, यहाँ पे स्टूडेंट्स मस्ट हैव जनरल फैमिलियरिटीज विद द लेटर अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स, यानी कि बच्चों को लेटर्स, अल्फ़ाबेट और वर्ड की नॉलेज है जनरल। इसके बाद आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सीरियल नंबर, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, सीरियल नंबर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ABCD रिप्रेजेंट। तो बच्चे बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स।
सेकेंड फिर क्वेश्चन है व्हाट ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स फॉर्म, तो बच्चे बोलेंगे वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर व्हाट डज इट मेक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चे सेंटेंस बोले लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा आप अपना यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बोलेंगे। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे है, स्टडी अबाउट सेंटेंस एंड देयर टाइप्स। अब आता है आपका, बच्चों को पता चल गया, स्टूडेंट को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रस्तुतिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन। इसको इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है, यहाँ पे देखिए 5 कॉलम है, यहाँ पे सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है सेंटेंस। टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे टीचर पहले क्वेश्चन हो सकता है कुछ पूछे बच्चों से कि उनको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज सेंटेंस, तो बच्चे साइलेंस हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, साइलेंस लिख दीजिए। उसके बाद डिफिनेशन यहाँ पे बच्चों को बताइए आप, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है स्टूडेंट यहाँ पे आर एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे फिर आता है सेंटेंसेस आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव बीन प्लेस्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर टू प्रोवाइड मीनिंग टू द वर्ड। एग्जांपल है राम इज अ बॉय, सीमा इज अ गुड गर्ल, बच्चे स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया लिसनिंग केयरफुली, और यही सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी लिखना है जो आपने अभी सेंटेंस का के बारे में बताया। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे जो आपने एग्जांपल लिखा है राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ गुड गर्ल, ये इसको लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछेंगे, ये दूसरा टीचिंग पॉइंट था टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो बच्चों को तो सेंटेंस के बारे में भी नहीं पता था तो वो टाइप कैसे बता पाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे। फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखिए हेडिंग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसमें देखिए लिखा गया सेंटेंसेस, मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखा देता हूँ। अब सेंटेंसेस आर बेसिकली फाइव टाइप्स, नेमली असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों वाले कॉलम में लिखना है, स्टूडेंट वाले कॉलम में ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। उसके बाद यही सारी चीज़ें जो आपने अभी टाइप बताया वही आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी यहाँ पे देख लीजिए लिख दिया गया है, और ब्लैक बोर्ड वर्क जो आप पेज पे करेंगे वो आप ब्लैक पेपर खरीद लीजिएगा और वाइट स्पार्कल पेन खरीद लीजिएगा, उससे इस तरीके से लिख के आप गम से चिपका दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन फिर से पूछेंगे बच्चों से व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, बच्चे नहीं बता पाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, जैसे साइलेंस होंगे एक्सप्लेनेशन देना आप स्टार्ट कर देंगे। जस्ट द सेंटेंस विच डिक्लेयर और असर्ट अ सेंटेंस स्टेटमेंट फुलिंग ओपिनियन इंसिडेंट इवेंट हिस्ट्री और एनी थिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल आई विल मेट यू एट द ट्रेन स्टेशन, सेकेंड को यहाँ पे है सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट, थर्ड सेंटेंस है ही डज नॉट गेट अप अर्ली। बच्चे इसको नोट करेंगे, स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया नोट डाउन देयर इन देयर नोटबुक, और यही एग्जांपल आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। द सेंटेंस दैट क्वेश्चंस अबाउट समथिंग आर कॉल्ड एज क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The question sentence is generally start with word how, what, why, when, who, etc. इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया नीचे The interrogative sentence form end with the question mark. Example है How long have you lived in France? Second question है When does the bus leave? Third question है Do you enjoy listening etc. classical music? उसको ही आप यहाँ पे interrogative sentence को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कर दीजिए। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आपका जो टाइप था इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ पे एक्सप्लेन फिर उसको भी करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस दैट इंक्लूड और स्टार्ट विथ वर्ड लाइक काइंडली, प्लीज, टू, सो, रिक्वेस्टिंग नेचर। इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिक्वेस्टिंग सेंटेंस। इसका यहाँ पे देखिए लिखा गया है द इम्परेटिव सेंटेंस टेक्स सो नो सब्जेक्ट एज यू इज द इम्प्लाइड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है प्लीज ओपन द डोर, सेकेंड है काइंडली
फिनिश योर होमवर्क, थर्ड है पिक अप दैट मास। इसी को आपने एग्जांपल के रूप में यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे लिख दिया है और स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है यहाँ पे लिसनिंग केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी। फोर्थ एग्जांपल जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म एम्फेसिस अ स्टेटमेंट विद द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपको पता है ये वाला पॉइंट होता है जो। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं उसके आगे का व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्ट विद सच वर्ड लाइक अलास, हरी, हुरा, वाव, ब्रेव, ईटीसी, ये आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड्स है। एग्जांपल के लिए हुरा दैट साउंड्स पैथेटिक, अलास ही डाइड। फोर्थ है हुरा वी वॉन द मैच। और स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, वही सारे एग्जांपल यहाँ पे आप लिख देंगे, सेम चीज़ लिखना है आपको। फिर फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज इन विच विशेस आर मेड इट इन विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा पॉइंट है वुड दैट आई वेयर रिच। थर्ड पॉइंट है मे ही गो टू हेल। नोट करना है बच्चों को फिर से वही चीज़, नोट डाउन इन देयर नोटबुक स्टेट ब्लैक बोर्ड पर फिर से आप एग्जांपल लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ सही से दिख नहीं रही इसलिए मैं बता रहा हूँ, यही सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। अब इसके बाद आता है इंस्पेक्शन वर्क, टीचर इज टेकिंग राउंड इन क्लास वाइल द स्टूडेंट आर डूइंग देयर वर्क, यानी कि जब बच्चे अपना वर्क कर रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क उतार रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, उस समय आप राउंड कर लीजिए क्लास में, जिससे ये पता चल जाए बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसके बाद आता है अगला हेडिंग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन डिफाइन सेंटेंस, सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस आर देयर नेम देम, थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन इंपरेटिव सेंटेंस विद एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे है होमवर्क। होमवर्क को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एक साथ देखने में आसानी हो। होमवर्क है, होमवर्क में देखिए क्वेश्चन दिया गया पहला फ्रेम फाइव सेंटेंस विद गिव वर्ड ऑनेस्टली, हैप्पी, येलो, प्लेस, प्लीज कॉपी। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, पहला अलास ही डाइड, दूसरा है हुरा वी वॉन द मैच, थर्ड है काइंडली फिनिश होमवर्क योर होमवर्क, फोर्थ पॉइंट है पिकअप दैट मास। उसके बाद कमेंट यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, कमेंट में अगर आपकी फाइल में कमेंट नहीं लिखा गया इस तरीके से कमेंट हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ पे आपका जो सुपरवाइजर होगा यहाँ पे कमेंट देगा कि आपने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया। उसके नीचे पीपल साइन होगा, पीपल टीचर साइन आपका साइन होगा एक साइड, और एक साइड यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर होगा। तो ये था आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आपको आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक एक चीज़ मैं यहाँ पे रीड करके बता दिया हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ रीड करने में दिक्कत ना हो। और अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे जैसे ही वैसे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।